नमस्कार दोस्तों, हमारा शेड्यूल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज 10 अप्रैल 2021 है और जैसा कि आप सभी को मालूम है, पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी शहर हैं, जितने भी नगर हैं, वहां 60 घंटों का लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसमें कि शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक यह लॉकडाउन जारी रहेगा। इस लॉकडाउन में इमरजेंसी सर्विसेज के अलावा बाकी सभी गतिविधियां बंद रहेंगी। तो देख सकते हैं पूरा मार्केट बंद पड़ा हुआ है, कम ही लोग नजर आ रहे हैं और जो लोग नजर भी आ रहे हैं वो केवल आपातकालीन सर्विसेज वाले लोग नज़र आ रहे हैं। शाम के लगभग 6 बज रहे हैं। जैसे साल 2020 में लॉकडाउन हुआ था और धीरे धीरे जब स्थितियां सामान्य हुई तो व्यापारिक गतिविधियां फिर से शुरू हो चुकी थी और सभी लोग उम्मीद कर रहे थे कि 2021 में इस प्रकार का कोई लॉकडाउन देखने को नहीं मिलेगा, परंतु कोरोना की दूसरी लहर ने एक बार फिर से भारत में कदम रख दिया है, जिसकी वजह से न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और भी अन्य राज्यों में लॉकडाउन जैसे देख सकते हैं। अभी हम जेल बिल्डिंग के पास पहुंचने वाले हैं, बहुत ही कम लोग नज़र आ रहे हैं। लोग भी धीरे धीरे समझ रहे हैं कि लॉकडाउन क्यों ज़रूरी है। हालाँकि इससे व्यापारिक गतिविधियां बाधित होती हैं, आर्थिक नुकसान भी होता है, लेकिन क्या करें, जान है तो जहान है, वो भी ज़रूरी है। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कोरोना की वैक्सीन भी आ चुकी है और काफ़ी लोगों को वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है। चूँकि वायरस ने अपना रूप बदल लिया है, इस वजह से कुछ जटिलताएं जरूर उत्पन्न हुई हैं। हालांकि घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो शासन के द्वारा दिए गए निर्देश हैं, जैसे कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, हाथों को समय समय पर धोते रहें, ज़रूरी नहीं सैनिटाइजर से ही धोएं, लेकिन स्वच्छ रखें, साबुन से हाथ धोते रहें और जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक घर से अनावश्यक ना जाएं, इधर उधर भीड़ भाड़ से बचे रहें। अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं कोरोना का हम एक बार फिर से मात देंगे, क्योंकि कोरोना के खिलाफ ये जो लड़ाई है ये अकेले प्रशासन की या सरकार की नहीं है, ये लड़ाई हम सब की है। जब तक हम और आप एकजुट होकर, कंधे से कंधा मिलाकर नियमों के तहत और नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक हम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते हैं। और जैसा कि आज का जो शहडोल का आज जो माहौल मैं देख रहा हूँ, लॉकडाउन में लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं और भली भांति जिम्मेदारी निभाते हुए लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं, कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं जैसा कि शासन ने तय किया हुआ है। और उम्मीद है हम बहुत जल्दी इस संकट से उबर जाएंगे। हालांकि गर्मी का मौसम भी आ चुका है, कल रात में काफ़ी बूंदाबांदी हुई और शाम को भी फिर वैसा ही माहौल लगभग बन रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं एक अनुरोध करूँगा कि मास्क ज़रूर पहने, क्योंकि कोरोना को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि कोरोना अपना पराया जैसा कोई भी भेदभाव नहीं करता है। और अभी हम बुढ़ार रोड इंदिरा चौक पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं
दवा दुकान को छोड़कर बाकी सभी व्यापारिक संस्थान बंद हैं, सभी अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ठीक है, हफ्ते के दो दिन ना सही। और जैसा कि मालूम होगा, कटनी, रतलाम और कई ऐसे शहर हैं मध्य प्रदेश के कि वहाँ 10 दिनों का लॉकडाउन भी घोषित किया जा चुका है, क्योंकि वहाँ केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं इस वजह से। और चारों तरफ आप देख सकते हैं एक चीज़ की बैरिकेडिंग कर दी गई है, केवल अत्यावश्यक सेवाओं के लिए ही आवागमन के लिए छूट दिया गया है, जैसा कि जिला प्रशासन ने तय किया हुआ है, और कोई भी अनावश्यक नहीं दिखाई दे रहा है। और मास्क से संबंधित यहाँ जागरूकता के लिए होर्डिंग भी लगा हुआ है। और अब हम सिंकू रोड जा रहे हैं, पूरा का पूरा शहर रुका हुआ सा लग रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी हम इस संकट से उबर जाएं और दोबारा भविष्य में इस प्रकार की कोई भी स्थितियां हमारे सामने ना हो, जिससे कि व्यापारी गतिविधियां बाधित हो और शासन प्रशासन को इस प्रकार के कड़े फैसले लेने पड़ें। तो ये कहीं ना कहीं जब हम और आप मिलकर नियमों का पालन करेंगे तो ज़रूर वो दिन भी आएगा कि फिर से हम सब एक पटरी पर चलते हुए नजर आएंगे भागती दौड़ती ज़िंदगी में वापस से। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बने रहे हमारा शेड्यूल यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।